नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस कंप्यूटिक्स लैब यूट्यूब टेक्निकल चैनल में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताने वाले हैं कि आपके पास जब एक कंप्यूटर बिल्ड करने कोई आता है या आप खुद अपना एक कंप्यूटर असेंबल या डीअसेंबल करना चाहते हैं, तो असेंबलिंग के केस में आपको कुछ फ्रंट पैनल के कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, जम्पर सेटिंग्स उसको बोली जाती है, जैसे पावर की जो है जम्पर सेटिंग्स, पावर स्विच, रीसेट स्विच, हार्ड डिस्क की एलईडी और पावर एलईडी। तो आप जो है मिस कॉन्फ़िगर कर देते हैं पावर स्विच, रीसेट स्विच, हार्ड डिस्क की लाइट और पावर की लाइट। तो आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ कि जो प्रॉपर वीडियो की कॉन्फ़िगरेशन है वो किस तरह से होगी, प्रॉपर जो जम्पर की कॉन्फ़िगरेशन है फ्रंट पैनल वाली वो किस तरह से होगी, वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ, ताकि आप सही तरीके से पावर स्विच, रीसेट स्विच, हार्ड डिस्क की लाइट और पावर की जो लाइट है वो सही तरीके से आप इस फ्रंट पैनल कॉन्फ़िगरेशन पे अटैच कर सके और आपका सीपीयू सही से काम करे। तो चलिए आइए दोस्तों, देखते हैं लैब में। थैंक यू। तो हमारे पास जो मदरबोर्ड है दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास एक कैबिनेट है जिसमें हमें जम्पर सेटिंग करने हैं। बहुत लोगों को इसमें जो है फ्रस्ट्रेशन फील होती है जब वो जम्पर को सेट करते हैं मदरबोर्ड के ऊपर। तो ये जो आपका कनेक्टर्स है जो कैबिनेट से निकल के आ रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पावर स्विच की कनेक्टर है, हार्ड डिस्क की है, ओके, यहाँ पे हार्ड डिस्क एलईडी यानी हार्ड डिस्क की जो लाइट जलती रहती है, ब्लिंक करती रहती है सिस्टम में, वो हार्ड डिस्क की लाइट होती है। एक होती है रीसेट स्विच, जब आप अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना चाहते हैं पावर के थ्रू, एक सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है, लेकिन ये जो रीसेट स्विच है वो पावर के थ्रू रीसेट करते हैं, रीस्टार्ट। और ये है आपका पावर का लाइट जिसमें एक प्लस और एक माइनस होती है। ये पावर एलईडी की लाइट है जो आप फ्रंट पैनल में, ये जो आप यहाँ पे पावर बटन और रीसेट बटन जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पावर का लाइट, यहाँ पे हार्ड डिस्क का लाइट। तो 1 2 3 4, यही 1 2 3 4 आपको यहाँ पे कनेक्टर्स दिए गए हैं और इस कनेक्टर को आपको जो है लगाने हैं मदरबोर्ड के ऊपर, और वो भी सही सही रूप से, पावर स्विच, हार्ड डिस्क का लाइट, रीसेट स्विच एंड पावर का लाइट, ओके। ये फ्रंट पैनल कहलाती है, फ्रंट पैनल कॉन्फ़िगरेशन, यानी एफ पैनल भी हम इसको शॉर्टकट में बोलते हैं। और ये जो आपको कनेक्टर्स निकल के आ रही है जिसमें आपका लिखा होगा VCC, यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा होगा VCC, D-, D+, GND, तो इस तरह से ये जो आप देख रहे हैं दो ग्रुप में यहाँ पे होती है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये चीज़ें जो आप देख पा रहे हैं, ये USB के लिए है, फ्रंट में जो आपकी USB होती है, यूनिवर्सल सीरियल बस, ओके, जिस पे आप पेन ड्राइव एंड ड्राइव या हार्ड डिस्क वगैरह लगाते हैं, तो ये USB वाली होती है जिसपे VCC और D+ D- लिखा होगा। और ये है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि R आउट, L आउट यानी राइट आउट, लेफ्ट आउट, माइक के लिए है यहाँ पे पावर और इन, ओके, और एक ग्राउंड है यहाँ पे ब्लैक कलर का। तो ये ऑडियो है जहाँ पे आप फ्रंट पैनल में जो है हेडफोन्स या स्पीकर या माइक वगैरह लगाते हैं, तो ये ऑडियो है, फ्रंट पैनल ऑडियो। तो इसको हम शॉर्टकट में बोलेंगे F ऑडियो, इसको हम बोलेंगे F USB और इसको हम बोलेंगे F पैनल, ओके। F पैनल जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये नहीं लगाते हैं तो USB काम नहीं करेगी, और आपको लगाना भी है तो सही सही, नहीं तो USB काम नहीं करेगी। और ये जो है, अगर आप ये नहीं लगाते हैं तो आपकी स्पीकर माइक वगैरह जो है सामने से काम नहीं करेगी, बैक वाला काम करेगी, ओके। तो ये अगर आप नहीं लगाते हैं तो आपका स्पीकर या माइक काम नहीं करेगा फ्रंट से, और अगर लगा देते हैं तो सही सही लगाने हैं, प्रॉपर लगाने हैं, नहीं तो आपका काम नहीं करेगा। तो अगर हम सबसे पहले इस फ्रंट पैनल को देखें, F पैनल जो कि मेन इंपॉर्टेंट है, F पैनल ही इस तीनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये F पैनल है, क्योंकि अगर आप इसे नहीं लगाएंगे तो पावर ऑन नहीं होगी क्योंकि पावर बटन के यहाँ पे कनेक्टर्स हैं, रीसेट नहीं होगी क्योंकि रीसेट है, लाइट नहीं जलेगी। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है इसमें, इस चारों में सबसे पहले आपको लगाने हैं पावर स्विच। पावर स्विच जो है कहाँ लगेगी, कैसे लगेगी, ये आपको खासा ध्यान रखना है, रीसेट स्विच उसे उसके बाद लगाने हैं, और देन आपको हार्ड डिस्क का लाइट और पावर का लाइट लगाने हैं। पावर स्विच और रीसेट स्विच, स्विच में कोई भी प्लस माइनस नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। स्विच को आप जैसे भी लगाएं, जो अभी हम मदरबोर्ड पे लगाएंगे, लेकिन उसके जगह पे लगाने हैं, जहां पे पावर लिखा हुआ है वहां पे लगाएंगे, रीसेट जहां पे लिखा हुआ है वहां पे हम रीसेट स्विच को लगाएंगे। और ये हार्ड डिस्क की जो लाइट है और जो पावर की लाइट है इसमें प्लस माइनस होती है, तो व्हाइट कलर या ब्लैक कलर की जो कॉमन वायर होंगी वो ग्राउंड को रिप्रेजेंट करेगी यानी माइनस को, लेकिन जो कलरफुल वायर होंगे, चाहे रेड हो, ग्रीन हो, येल्लो हो, ब्लू हो, तो वो जो है कलरफुल वायर
पॉजिटिव यानी प्लस को रिप्रेजेंट करती है। तो आपको इसका ध्यान रखना है कि लाइट में जो है प्लस और माइनस होती है, और प्लस को प्लस में माइनस को माइनस में लगाने हैं, अदरवाइज आपका लाइट जो है फ्रंट पैनल की जो लाइट है वो नहीं चलेगी। और हार्ड डिस्क का लाइट हार्ड डिस्क वाले जगह पे, पावर का लाइट पावर वाले जो है लाइट के जगह पे आपको लगाने हैं। ओके, तो यहाँ पे जो है हमारे पास एक मदरबोर्ड है, ये सेम मदरबोर्ड जिसमें मैं अभी आपको प्रोसेसर का फैन जो है असेंबल और डीअसेंबल करना बताया इजीली रूप से। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे इस आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं, जहां से आप इस प्रोसेसर फैन को कैसे डीअसेंबल असेंबल करते हैं वो आप वॉच कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारे जो आपको पिन्स नजर आ रही है, इस पिन्स के पास आप देख सकते हैं कि सबसे पहले ये देखिए USB 2.0, तो यहाँ पे FUSB 2 और FUSB 1 लिखा हुआ है। अगर आप गौर से देख पा रहे हो तो यहाँ पे आपका 1 और 2 जो आपको मैं ये वाला जो कनेक्टर बताया था USB वाली, वो आप यहाँ पे लगाएंगे USB वाले पे। ओके, और इसके बाद जो ये ऑडियो वाली जो मैं आपको बताया था, लेफ्ट आउट राइट आउट माइक इन, तो ये जो है एफ ऑडियो, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे एफ ऑडियो लिखी हुई है। तो ये वाली जो असेंबलिंग लाइन है ये एफ ऑडियो के लिए है, यानी यहाँ पे आप ऑडियो लगाएंगे, ठीक है, ये एफ ऑडियो। और LPT जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, LPT ये पैरेलल पोर्ट के लिए है, जहाँ पे आप पहले डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और लेजर प्रिंटर और बहुत तरह के प्रिंटर और कम्युनिकेशन डिवाइस वगैरह लगाते थे पैरेलल पोर्ट पे, जो पुराने मदरबोर्ड पे आपको देखने को मिल जाएंगे कि जो VGA पोर्ट है, यहाँ पे एक मैजेंटा कलर का 25 पिन का पैरेलल पोर्ट होता था, जो अब लेटेस्ट बोर्ड में नहीं बन रही है। और ये बोर्ड G41 बोर्ड है, और ये उस समय की बोर्ड है जब टेक्नोलॉजी चेंज हो रही थी, जैसे पाटा साटा पे आ रही थी, तो पाटा और साटा दोनों दिया गया है। अगर आपके पास पाटा हार्ड डिस्क हो तो आप पाटा वाले जगह पे लगाएंगे कनेक्टर्स पे, अगर आपके पास साटा हार्ड डिस्क हो तो साटा वाले पे पिन्स पे आप लगाएंगे साटा हार्ड डिस्क या ड्राइव को। ओके, लेकिन अब पाटा जो है चलती नहीं है, अगर आप लेटेस्ट मदरबोर्ड खरीदे हैं तो आपको ये पाटा कनेक्टर्स नहीं मिलेंगे। और यहाँ पे जो पैरेलल पोर्ट है ये उस समय की बोर्ड है जिस समय टेक्नोलॉजी चेंज हो रही थी, लोग पैरेलल से USB पे आ रहे थे, सीरियल पोर्ट भी होती थी जहां पे आप माउस या कम्युनिकेशन डिवाइस लगाते थे मॉडेम वगैरह, तो अब सीरियल पोर्ट भी नहीं है क्योंकि अब जो है सीरियल पोर्ट और पैरेलल पोर्ट अब नहीं चलती है। तो अब सारी कंपनी और सारी टेक्नोलॉजी जो है USB पोर्ट को अडॉप्ट कर रही है, और अब जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो USB सपोर्टेड है। यहाँ पे आपको खासा ध्यान रखना है कि जो एफ पैनल जो है, यही आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि एफ पैनल, यहाँ पे देखिए रीसेट स्विच, पावर स्विच, जैसा कि मैंने आपको कहा कि सबसे पहले पावर स्विच लगाने हैं, तो यहाँ पे आपको 9 पिन दिखेंगे 5 और 4 के फॉर्म में। एक जो आपको पिन नहीं दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि पिन टूटी हुई है, जी नहीं दोस्तों, ये जो 5 पिन है, यानी जिस तरफ 5 पिन होगा उसके इस तरफ से 1 2 3 4 5, ऐसे नहीं काउंट करना है, आपको काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ओके, और ये 10, जो 10 वाली पिन है वो नहीं होती है। तो ये वाली जो पिन है ये पिन नंबर 1 है, और सामने जो है 2 है, 3 4 5 6 7 8 9, यानी 5 जो आप इस तरफ पिन देख रहे हैं एक लाइन में वो 1 3 5 7 9 है, और जो सामने है वो 2 4 6 8 है। और ये F पैनल जहां पे आपको बोर्ड पे लिखा हुआ मिलेगा, F पैनल का टेबल आपको, जैसे मैं यहाँ पे इस बोर्ड में खोज चुका हूँ, सर्च कर चुका हूँ, आपको अपने बोर्ड में सर्च करने होंगे कि एफ पैनल का टेबल कहाँ पे है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए मेरे थंब के पास, यहाँ पे आपको एफ पैनल का टेबल दिख रहा होगा। ओके, पैनल का जो है टेबल आपको दिख रहा होगा, एफ पैनल के टेबल में 1 3 5 7 9, यानी 1 3 5 7 9, और 2 4 6 8, यानी 2 4 6 8। तो यहाँ पे 1 और 3 का जो है सॉर्टिंग वो हार्ड डिस्क LED बता रही है, 5 और 7 का जो है वो रीसेट यानी RST रीसेट, 2 और 4 का जो है इसका मतलब है, यहाँ पे गौर से देखिए तो यहाँ पे हाँ पावर की लाइट है, ये पावर LED लिखी हुई है पावर की लाइट, और ये जो है 5 और 6 और 8 जो है यहाँ पे पावर यानी PWR लिखा हुआ है। तो आपको यहाँ पे सर्च करने हैं, आपको मदरबोर्ड के ऊपर सर्च करने हैं कि सबसे पहले जो टेबल है वो कहाँ पे है। अगर आपको मदरबोर्ड के ऊपर एफ पैनल की टेबल नहीं दिखती है, तो जब आप मदरबोर्ड खरीदते हैं तो इसके साथ मैनुअल आती है, यानी बुक, छोटी सी बुक होती है जो आपके मदरबोर्ड के फीचर को एक्सप्लेन करती है, तो उस बुक में आपको एफ पैनल के कॉन्फ़िगरेशन यानी जम्पर सेटिंग्स जो है मिल जाएंगे। अदरवाइज एक और ट्रिक्स है, इसके लिए आप मेरी अगली वीडियो को देखिए, अगर आपको ये पैनल नहीं
मिल रही है टेबल, तो कैसे आप एफ पैनल पे ये सारी वायर को लगाएंगे, वो भी सही सही रूप से, नहीं तो आपका कंप्यूटर ऑन नहीं होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बताया कि सबसे पहले आपको पावर स्विच लगाने, ये हमारे हाथ में पावर स्विच है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है 6 और 8 ये जो है हमारी पावर की स्विच बताई जा रही है, और जो 10 नंबर की पिन है वो ब्लैंक है, यानी ब्लैंक। ये देखिए यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो, और 5 और 6 है, तो हम यहाँ पे जो पावर की स्विच है ये जो ब्लैंक है इसके जगह पे हम पावर की स्विच को लगा देंगे। तो अभी हमारी जो दो पिन से इसके जस्ट सामने वाली जो पिन है वो RST बताई जा रही है, यानी 5 और 7 जस्ट पावर के सामने। तो हमारी जो रीसेट बटन है, ये देखिए ये हमारे पास रीसेट बटन है, ये रीसेट स्विच जस्ट पावर स्विच के सामने जो दो पिन बची हुई है, इस दो पिन के ऊपर मैं इस रीसेट स्विच को लगा दूंगा। ओके, तो हमारी पावर स्विच और रीसेट स्विच लग चुकी है। इधर जो है आपको एक पिन आपको ब्लैंक रहेगी, और सामने में जो पिन है उसमें तो पिन है ही नहीं, वो ऐसे ही ब्लैंक है, वो फॉर्म फैक्टर है मदरबोर्ड का कि आप जो है सही सही लगा सके सब कुछ। अब यहाँ पे देखिए जो 1 और 3 है वो पावर की हार्ड डिस्क की लाइट बताई जा रही है, HDD LED। ओके, HDD मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव, LED जो लाइट है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास हार्ड डिस्क की लाइट है ये वाली, और हार्ड डिस्क की लाइट हो या पावर की लाइट हो उसमें प्लस और माइनस होती है। तो जो जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ बाहर की तरफ होनी चाहिए, जैसे ये लिखा हुआ है अगर मैं यहां लगा दूं तो ये अंदर की ओर हो रही है। तो आपको बेसिकली जो लिखा हुआ है ना वो बाहर की तरफ होनी चाहिए, और जो बाहर की तरफ से जो आप लगाए हैं तो यहाँ पे जो प्लस वाली पिन्स पे ये अटैच हुई है, इसका मतलब ये भी है। अदरवाइज आपको यहाँ पे जो है छोटा सा डॉटेड लाइन जो है, थोड़ा सा थिकनेस लाइन आपको दिखाई देगी, वो पिन नंबर 1 को बताती है, पिन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 जो कि ब्लैंक है। ओके, तो यहाँ पे जो है थोड़ी सी थिक कलर की जो लाइन दिख रही है वो पिन नंबर 1 है, जो पॉजिटिव वोल्टेज को भी बताती है। तो अगर आप लिखा हुआ बाहर की तरफ रखते हैं तो जो कलरफुल वायर होगी, जैसे हमारे केस में येल्लो, आपके केस में ब्लू और रेड भी हो सकती है और ग्रीन भी हो सकती है, तो कलरफुल वायर जो है अपने आप पॉजिटिव पिन को पकड़ लेगी, और इसके जस्ट सामने जो दो बटन बच गई है, ये दो बटन आपकी जो है पावर LED लाइट की है, ये दो बटन जो है इसके लिए है पावर, यानी प्लस और माइनस। यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपको प्लस और माइनस दिख रही होंगी, ये माइनस है और ये प्लस है। तो बाहर की तरफ आपको यहाँ पे जो पिन नंबर 2 थी, जो पिन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो ये जो पिन नंबर 2 है जो पावर लाइट बताई जा रही है, इसमें से मोस्ट प्रोबेबली 2 वाली जो है वो पॉजिटिव होगी, 4 वाली जो है वो नेगेटिव होगी। हालांकि यहाँ पे सिंबल नहीं दिया गया है, लेकिन अगर आपकी कंप्यूटर की लाइट नहीं जलती है तो आप एक बार उसको चेंज कर सकते हैं, प्लस को माइनस पे, माइनस को प्लस पे, जो पहले लगाए थे उसे आप चेंज कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे क्या किया हूं, यहाँ पे जैसे मैं ये समझ पा रहा हूँ कि हार्ड डिस्क का लाइट जो बाहर की तरफ से है और यहाँ पे येल्लो जो है पॉजिटिव है, तो यहाँ पे ग्रीन जो है इसके सामने आएगी तो ये वाली पिन जो होगी वो पॉजिटिव होगी और बीच में जो है वो नेगेटिव होगी। अगर लाइट नहीं जलती है तो ये मैं चेंज कर सकता हूँ, पलट सकता हूँ ग्रीन और के व्हाइट के जगह पे, व्हाइट को ग्रीन के जगह पे। ओके, तो यहाँ पे जो है इस तरह से आप सारी कॉन्फ़िगरेशन को इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपकी जो फ्रंट पैनल है वो सही से काम करेगी, जो भी पावर स्विच, रीसेट स्विच, हार्ड डिस्क की जो स्विच है, हार्ड डिस्क की जो लाइट है और पावर की जो लाइट है, ये सही से काम करना स्टार्ट कर देगी। तो इस तरह से जो है फ्रंट पैनल के कॉन्फ़िगरेशन को आपको असेंबल करने होते हैं किसी भी कंप्यूटर में। इस तरह की टेक्निकल वीडियो अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे कंप्यूटिक्स लैब यूट्यूब टेक्निकल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।